हाय एवरीवन, तो आज मैं बनाने वाली हूँ इनका आईब्रो। तो ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर लेंगे पहले, और बहुत ही अच्छे से आईब्रो बनाना है इनका। ऊपर आप देख सकते हो इनके हेयर की ग्रोथ है, कहीं है कहीं नहीं है, तो कैसे करना है पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। पार्लर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की दिक्कत हो, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से कट करने के बाद से पहले हम थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगाने से क्या होता है कि आपकी हेयर जो चिपकी होती हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं, धागे में जो कैंची बनाते हैं हम उसके बीच में बहुत ईजिली आ जाते हैं। फिर कस्टमर के स्किन पे हमको धागा रगड़ना भी नहीं होता है, और बहुत आसानी से धागा निकालने में हमको ईजी होता है। तो इस तरीके से आपको पहले थ्रेडिंग को बीच से बीच के हेयर को दोनों आईब्रोज के बीच के हेयर को इक्वली रिमूव कर लेना है। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, हाथों को देखो किस तरीके से मैं घुमा रही हूँ, धागे को किस तरीके से घुमा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद से ऊपर से पहले स्टार्ट करेंगे आईब्रो बनाना। ऊपर का जो हेयर निकालना होता है उसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मतलब हेयर नहीं निकालना है, बस आपको एक शेप देनी होती है, बिल्कुल भी नीचे नहीं लाना। अगर ऊपर से आप ज़्यादा हेयर निकाल दोगे तो क्या होगा कि आपका जो आईब्रो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, जिससे आपका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ऊपर का बिल्कुल भी बस एक्स्ट्रा हेयर बिल्कुल मत निकालिए, बस एक परफेक्ट शेप दीजिए जो कि आपके आईब्रो को देनी है, उसके अलावा आपको हेयर नहीं निकालना। मैं साथ के साथ फोरहेड भी कर रही थी क्योंकि इनको फोरहेड भी करवाना था, तो मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ, कौन बाद में करेगा। तो साथ के साथ ही करने के बाद से आपको नीचे का हेयर निकालना है, नीचे का कैसे शेप देना है पूरा डिटेल में बता रही हूँ। अगर इस वाले आईब्रो में आपको नहीं समझ आए तो समझ में आए तो दूसरी साइड के आईब्रो में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से फोरहेड को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब इस तरीके से कस्टमर को बोलेंगे कि टाइटली आईब्रोज को दोनों तरफ से ऊपर नीचे दोनों तरफ से खींचना है। ऊपर से आप बोलिए ज़्यादा खींचने के लिए, नीचे से बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो नीचे से खींच देंगे तो शेप बिगड़ सकती है, प्लस आपको आईब्रो बनाने में भी दिक्कत होगी। तो आपको बोलना है कि ऊपर से आप स्किन को ज़्यादा खींचिए, उसके बाद नीचे से हल्के हाथों से पकड़ना है, फिर बिल्कुल हल्का हल्का हेयर को निकालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं निकालना है, आईब्रो को पतली नहीं करनी है, अच्छी शेप देनी है। तो आपको आईब्रो को थोड़ा चौड़ा रखना है, ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है कि आपको उनको पतला चाहिए तो फिर कोई बात नहीं तो आप चौड़ा ही दीजिए, चौड़े में अच्छा सा शेप दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आता है। और लुक जो फेस का लुक होता है पतले आईब्रोज में थोड़ा सा एज ज़्यादा लगती है, एंड चौड़े आईब्रोज में आपका लुक जो होता है वो क्यूट सा आता है। तो कस्टमर को पहले अगर वो बोले अपने हिसाब से बना दो, तब तो आप मीडियम में ही रखिएगा, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। और कई लोग चौड़ा बोलते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल नीचे से भी बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हल्के हेयर को निकालेंगे शेप देते हुए, बस एक शेप देनी है, एक्स्ट्रा हेयर को बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ओके, तो इनका एक साइड का तो थ्रेडिंग बन गया था, इन्होंने बोला था बिल्कुल हल्का हल्का निकालिएगा और एक अच्छी सी शेप दे दीजिएगा, तो मैंने इस तरीके से बनाया था। चलिए अब आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई यहाँ पे वीडियो को जूम करते हैं और अच्छे से समझाते हैं एंड किस तरीके से आपको बनाना है। अभी इसमें बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा पूरी बारीकी के साथ, जो भी हेयर हैं जो आपको उस वाले आईब्रो में नहीं समझ में आया वो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से हेयर को कैसे निकालना है वो बता रही हूँ मैं। पहले नोज के आसपास जो भी हेयर है उनको रिमूव कर लेंगे, पीछे जाके आप दूसरी साइड में जो आईब्रो में से हेयर नहीं निकले होंगे वो भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ओके, अब दूसरी साइड का आईब्रो एकदम बिल्कुल बराबर करते हुए देखो, धागा देखो मेरा बिल्कुल, दोनों आईब्रो बिल्कुल बराबर है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप रिमूव कर दोगे इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से। स्किन पे धागे को रगड़ना नहीं है, बहुत दबाव नहीं डालना है, रगड़ोगे तो क्या होगा कस्टमर को पेन फील होगा, और रगड़ के साथ दबाव देके अगर आप हेयर को निकालते हो तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को कट भी लग सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल हल्के हाथों से निकालिए तो आपको थ्रेडिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत लाइटली आप बहुत सारे थ्रेडिंग कर लोगे आपको भी दिक्कत नहीं होगा, कस्टमर को भी पेन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और जिन कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनके लिए आपको क्या करना, पहले स्किन पे थोड़ा कोई मॉइस्चराइजर लेके अच्छे से मसाज कर दीजिए, फिर आप उनको 5 मिनट के लिए रिलैक्स छोड़िए, फिर आप थ्रेडिंग करोगे तो उनको पेन बहुत कम फील होगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी आईब्रो जो है उसको बना लिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं दबा रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं दबा रही थी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी फास्ट की थी मैंने, और इनका ऊपर में हेयर की ग्रोथ कम थी साइड वाले आईब्रो में, तो वहाँ पे बिल्कुल छोड़ देंगे, टच भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी थ्रेडिंग जो होगी वो बिगड़ सकती है। अब फोरहेड के पास का भी हेयर रिमूव कर लेंगे।
फिर हम लोग नीचे कैसे करना है वो बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। आज मैंने बताया था खुले बालों के लिए, छोटे बालों के लिए हेयर स्टाइल एंड खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल, जो साड़ी गाउन लहंगा जो भी आप पहन रहे हो पार्टी में वेडिंग में, उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, आप खुद से भी बना सकते हो और कस्टमर का भी बना सकते हो। तो ये इस तरीके से पकड़ दी थी, तो मुझे लगा कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, फिर मैंने इनको अच्छे से पकड़ने के लिए बोला। तो इस तरीके से अगर कस्टमर पकड़ रहा है तो आप भी उनको बोलिए कि वो नीचे से हाथ करके फिंगर को सीधा करके आईब्रोज को पकड़े। देखिए यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ अच्छे से, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने बताया, तो फिर इन्होंने ऐसे पकड़ा। ऐसे ही आपको भी पकड़वाना है कस्टमर को उनकी आईब्रोज को, तो एक अच्छी सी शेप देते हुए एक्स्ट्रा हेयर को निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे, कुछ ना समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं उस कोशिश करूँगी कि वो भी चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो ना समझ में आता हो। ओके, तो फिर अभी जो एक्स्ट्रा हेयर बचे थे छोटे छोटे, उनको मैं रिमूव कर ले रही हूँ। लास्ट में आपको इनको मॉइस्चराइजर लगा के या फिर कोई कूलिंग इफेक्ट वाला क्रीम लगा देना, जिससे कि कस्टमर को अगर पेन फील हो रहा हो तो वो तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है, और कटवट लगी हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो दोनों आईब्रो का जो लुक आया था वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और जहाँ भी आपको लग रहा है कि हेयर है उनको अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा धागे से। अब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेयर थे फ्रंट में, उसको मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। ओके, तो दूसरे वाले आईब्रो में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उसको भी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। आईब्रो बनाते टाइम आपको कोशिश करनी है कि आपको जितना हल्के हाथ से आप पकड़ पाओ थ्रेड को, उतना हल्का हाथ चलाना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये आईब्रो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पे ये इनका फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको थ्रेडिंग, आई होप कि पसंद आया हो। और आईब्रो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, बताने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये था हेयर कट जो मैंने किया था इनका, मैं वीडियो ले रही थी बट काफ़ी लंबे बाल थे, हिप से भी नीचे तक थे, बट मेरी वीडियो ऑन ही नहीं हुई थी और मैंने पूरा कट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा बाद में मैंने देखा कि ऑन नहीं हुआ है, तो फिर मैंने इन कैमरे को ऑन किया, और फिर लास्ट में इतना सा ही बचा हुआ था तो यही कट किया था। अभी मैं दिखाऊंगी कि कितने हेयर कट हुए थे, तो वो भी देख लीजिएगा। तो अभी आपको पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिलेंगी, और डस्की स्किन के लिए मेकअप बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। ये देखिए इतने सारे हेयर कट किए थे बट उसकी वीडियो नहीं ले पाई, वेरी सॉरी। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इनकी हेयर कटिंग कैसी लग रही है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिनका थ्रेडिंग कर दी थी उन्हीं का हेयर कट भी किया था मैंने। यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले रही थी जो कि थंबनेल पे डालना था, बट वीडियो नहीं ले पाई थी, तो फिर पिक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोबारा से यहाँ पे देख लो इनकी आईब्रो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।